अस्सलामुअलैकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आज के मैं इस वीडियो में बहुत ही कॉमन आंखों की प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाली हूं। स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रही हैं, ये मेरे बेबी का है, मेरे बेटे का। जब ये 3 वीक्स का था तो इस हद तक इसके आंखों में ये प्रॉब्लम हो गई थी। इसका नाम है ब्लॉक्ड टीयर डक्ट। ये नवजात शिशुओं के साथ अक्सर ये होता रहता है। मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगी कि कैसे ये घर बैठे आप ट्रीट कर सकते हैं बिना डॉक्टर के, बिना मेडिसिन के। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जितना जाना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर देखिए मेरा बेबी सोया हुआ है, और आप भी ध्यान रखें, जब आपका बेबी सोता हुआ होगा तभी आप ऐसा करें। बिल्कुल हल्के हाथों से आपको लिटिल फिंगर से इस तरीके से मसाज करना है आँखों का। बस ये एक काम आप कर ले, आपका बेबी का ये जो प्रॉब्लम है ये 100% गारंटी देती हूँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस तरीके से ये लिटिल फिंगर को लेके इस तरीके से राउंड राउंड आपको घुमाना है आँखों के साइड में, ये जो कोने पे, और सीधा लेके नाक के बराबर में ले आना है। तो इस तरीके से बहुत ही सावधानी से आँखों के, दोनों आँखों के कुन्ने पे इस तरीके से आपको मसाज देना है। आपका नाखून कटे हुए होना चाहिए। अपने उंगली अच्छे से वॉश कर लेना, क्योंकि इन्फेक्शन का डर रहता है। तो इस तरीके से आप एक बार ये ट्राई कर लीजिए, आई होप कि बहुत ही हेल्प मिलेगा। मेरा बेबी का जो फ़ोटो स्क्रीन पर आपने देखा शुरुआती वीडियो की शुरुआत में, वो फ़ोटो लास्ट उसी दिन का है जिस दिन इसके बहुत ही ज़्यादा आँखों से ऐसा मतलब कीचड़ जैसा पानी आ रहा था। तो उसी दिन शाम के टाइम मैंने 2 बार ये मसाज की, फिर रात को मैंने 3 दफ़े की। सुबह उठ के मैंने देखा इसके आँखें बिल्कुल क्लीन और बिल्कुल नॉर्मल आँखें हो गई है। तो इसलिए मैं दावे के साथ कहती हूँ आप भी ऐसा करें आपके बच्चों के साथ। आप बिल्कुल डरे नहीं, लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन है तो आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। लिटिल फिंगर से भी आप मसाज दीजिए, और इस वाले फिंगर से भी आप ऐसे मसाज कर सकते हैं। मैंने भी किया था, इससे भी कुछ नुकसान नहीं होता है। बस सावधान ये रखना है आँखों के अंदर उंगली ना चला जाए। इस तरीके से धीरे से आपको मसाज देना है, ना कि बहुत ही ज़ोर से दबा के, ऐसा नहीं करना है। और बाद में आप दोनों फिंगर से इस तरीके से गोल गोल घुमा के ये वाला मसाज भी आप दे सकते हैं। मैंने ये 3 तरीके से मसाज किया था मेरे बेबी को, तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिला था। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको अगर ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, ताकि न्यू मॉमीज एंड डैडीज़ तक ये वीडियो पहुंचे। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट किसी एक वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।